कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। एक को समझ में आई है वो प्रॉपर्टी वाला है कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। तो आप आनंद में रहिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अच्छा जी, तालियां बजाइए। हाँ। सुनिएगा, उन्होंने फिर भी वीडियो बनाना बंद नहीं किया है। उस व्यक्ति के एक अपनी ही अलग आनंद चल रहा है। सुने कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे हो गई। और रामाकांत जी, ये 2 पंक्तियां आपके लिए। इधर वालों को कितना मजा आ रहा है। इसलिए मजा आ रहा है, लाइव जा रहा है। अच्छा सुना। वो तो सोच ही रहे कि एक फाइल तो निपटी, चलो ये खत्म हुआ। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। क्या धार्मिक पंक्ति है, वाह। सबके सब अनुभवी बैठे हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है सर्व हिंदू उत्सव समिति ने सत्संग करा रहा है। वाह वाह वाह। सत्संग का संचालन स्वयं आशाराम बापू कर रहे हैं। वाह सक्सेना जी, वाह। रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। राजनीति से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा। मुझे राजनीति कितनी समझ में आती है, 2 पंक्तियां पहुंचाती। सुनिएगा, कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा। समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। इस क्रम की अंतिम 2 पंक्ति। भावुकता में मत आना, ये पुराने लोग हैं। मैं बिल्कुल भावुकता में उन लोगों के लिए नहीं आती हूँ जिनके फ्लैट पर आप भी रह के आ चुके हो। जब से कवि सम्मेलन चला है, वो व्यक्ति, उन्होंने हर कवि का सम्मान किया, एक बार उनके लिए आपकी तालियां उठे। ऐसा नहीं है कि इस उम्र में दिल धड़कना बंद कर देता है, दिल उनका भी धड़कता है। अगर वो यहाँ तक माला लेके आए तो बिल्कुल मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत। सुनिएगा, इस क्रम के अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप सभी को समर्पित करती हूँ। और मेरा दावा है कि अब तक जो हाथ नहीं खुले वो इन अंतिम 2 पंक्तियों में खुलेंगे। पूरे मंच को भी बहुत सुनिएगा। क्या बढ़िया जमा रही, बहुत अच्छा। कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा। हो गई हो
भजन समाप्त, तालियां बजाइए। नहीं, ये मोहल्ला तो सच में बहुत उत्साही मोहल्ला है। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें। जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें। जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें। और जरा ठहरें, उड़ाएं ना किसी की याद में नींदे। जरा जरा ठहरें, उड़ाएं ना किसी की याद में नींदे। यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर लें। तो ये मस्ती जिंदा रखिए। सच मानिए, प्रेम को सुनाती हूँ, प्रेम को जीती हूँ, वही प्रेम आप में पहुँचाने के लिए उपस्थित हूँ। लेकिन क्या कहा? देखिए मित्रों, नहीं, वो पचोर वो शहर है जहाँ पर अंजुम रहबर, एकता शबनम से लेकर डॉक्टर भुवन मोहिनी तक हर महिला स्वर आया है। और हम और यहाँ बैठे हुए बड़े लोग इस बात के गवाह हैं। सूरजमल जी स्वर्गवासी हो गए, हमने उनके घर में बैठकर बहुत बड़ी बड़ी महफिलों में देश की नामधन्य कवित्रियों को सुना है। लेकिन अगर डॉक्टर भुवन मोहिनी को सुनकर आपको कविता और आनंद दोनों आया हो तो जरा एक बार डॉक्टर भुवन मोहिनी का मन बनाइए। वो देश की बड़ी कवित्री हैं, वो कवि सम्मेलन भी जानती हैं और कविता सम्मेलन भी जानती हैं। मोहब्बत का मजा जब है, जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है, दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। और इतना अच्छे लोग सुनाने वाले हों और उनसे ज्यादा अच्छे लोग सुनने वाले हों तो फिर महफिल का अपना मजा होता है। एक बार जरा ताली बजाकर उनका मन बना दीजिए, आपको झुमा देंगी, आपको नाचने के लिए मजबूर कर देंगी, ये दावा मैं कर रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, नहीं सच में आप बहुत अच्छा, मैं जब से बैठी हूँ इस कवि सम्मेलन में, लगभग 3.5-4 घंटे ये कवि सम्मेलन को हो गए हैं। कई शहरों में जाते हैं, कई कवि सम्मेलन पढ़ते हैं, और पिछले दिनों लगभग 15 दिनों की यात्रा से हूँ, पर इतना उत्साह और इतनी मुखरता से जो आज कवि सम्मेलन हो रहा है, पिछले 15 दिन में शशिकांत जी भी मेरे साथ थे। मैं चाहती हूँ कि पूरा मंच इस जनता के लिए तालियां बजाए कि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। चेतन ने मुझे कहा भी था कि दीदी आप एक बार पचोर आइए, आपको लगेगा कि वहाँ के श्रोता कितने अच्छे हैं। और मैं इस बात की तारीफ करती हूँ कि तुमने सच बोला था, ये आपका अपने घर का बेटा, एक बार इसके सम्मान में भी आपकी तालियां हो कि इसने इतना नाम कमाया। आप चाहे पूरे, कोई नहीं, तू इतनी भावुक मत हो, तो आने में लेट हो गई, अगर बहुत साल पहले आ जाती तो यहीं से पूरे देश में जाती। तो दादा वो तो अभी भी हो सकता है, मेरी उम्र ही क्या हुई है। झुट्टी। ये जो चेतन चर्चित है, इसका ढंग से पूरा नाम ही नहीं लिखवाया, बताओ इसका नाम पूरा मालूम क्या है? श्रीमती डॉक्टर भुवन मोहिनी। इस प्लाट की रजिस्ट्री कई साल पहले हो चुकी है, इस पर 2 डुप्लेक्स हैं, 8 साल का, 1 6 साल का। हालांकि पचोर है, गर्ग साहब बैठे हैं यहाँ पे, कई इतने कारीगर लोग हैं जो एक प्लेट की रजिस्ट्री 3-3 बार करा लेते हैं। नहीं है, आप भले ही एक फ्लैट की रजिस्ट्री 3-3 बार हो जाती हो, लेकिन प्लॉट होता उसी का है जिसका कब्जा होता है। आज तो मेरा और है। मेरा मेरा कब्जेदार मेरे घर बैठा है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बहुत गुप्ता जी सुन रहे हैं आज, ये आए और इन्होंने कमरे में इतनी कविताएं सुनाई कि मैं अपनी भूल गई। उनका तो वो तो ठीक है, उनका छोरा भी सुनाता है, अंकित है ना, बाप बेटे दोनों मिलके सेट करते हैं कवि सम्मेलन को। कमाल का आत्मविश्वास है, सच मानिए। इनकी उम्र के हिसाब से तो इनको केले भी कच्चे नहीं खरीदने चाहिए। हाँ मेरी फ्लाइट भी है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है सच में, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। जिन्होंने मुझे बुलाने का उपक्रम किया सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियों से जोड़ती हूँ, बहुत आपने हास्य पर ठहाके लगाए,
मैं कैसा महसूस कर रही हूँ यहाँ आकर, वो बात आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, भाई साहब टाइमिंग बहुत खराब है आपकी। सुनिए, पहले तो टाइमिंग ही खराब थी, भाई साहब बोल के उसकी जिंदगी खराब हो गई। सुनिए सुनिए, कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन 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 से जाने क्या कह दिया, आँख ने आँख से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे। और एक वादा जो मैं आप सभी से करके जाना चाहती हूँ, सुनिएगा, कि दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, वाह वाह वाह, दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, अब न होगा हमारा तुम्हारी कसम, मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी कसम। राजस्थान की मिट्टी में मेरा जन्म हुआ, मैं अपने भीतर भी एक मीरा महसूस करती हूँ, या महिलाएं बैठी है, हर महिला के भीतर एक मीरा पलती है, और वो मन की मीरा क्या चाहती है, सुनिएगा, कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनू प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, एक मीरा। एक स्त्री के लिए मुखर होके श्रृंगार सुनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन मैं वो मर्यादा की रेख खींचती हूँ और वो सहज श्रृंगार पहुंचाती हूँ जिसकी कल्पना हर पुरुष को होती है। सुनिएगा, सीधे सीधे सुनिएगा, कि नैनो ने नैनो ही में मदिरा घोली रात भर, ये पीछे जितने भी पिए पिलाए बैठे हैं, नहीं मैं तो समझ ही रही थी, सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे, और फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे, हमारी आंख से पी लो। ये जो अति उत्साही मोहल्ला है, अरे बहुत 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 धन्यवाद, जल्दी जल्दी मैं अपना क्रम पूरा करती हूँ, दो मुक्तक और फिर सीधे सीधे एक गीत से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। एक बिटिया ने आकर माला पहनी, याद आ गए लेकिन वो बाद में सुनाऊंगी। हाँ सुनिए, कि नैनो ने नैनो ही में मदिरा घोली रात भर, नैनो ने नैनो ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया,
मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं भी बहकी मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए। उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर। उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर। मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर। बहुत अच्छा डॉक्टर, वाह वाह वाह, बढ़िया सुनाया। 5 मिनट का समय आपका और लूंगी और फिर अपना स्थान लूंगी। आदरणीय देश के बहुत बड़े कवि और सर्वश्रेष्ठ संचालक आदरणीय शशिकांत जी को आपको सुनना है। सच मानिए इतनी यात्रा करते हैं, लेकिन मैंने इतना अच्छा संचालन, निष्पक्ष संचालन मैंने किसी का नहीं देखा। एक बार आपकी तालियां उठे। आदरणीय शशिकांत जी को आपको सुनना है। एक गीत की यात्रा पे ले चलती हूँ। ये मोहल्ला जो थोड़ा खामोश है, आप भी यात्रा कीजिएगा, मैं गीत की यात्रा पे ले चलती हूँ। कवि के लिए सबसे कठिन होता है किसी कवि को सुनाना, इसलिए मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि चल 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 परदेसी, चल चल चल, चल 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 परदेसी, चल चल चल। संदेश जी आप भी तालियां बजाइए, आपने तो इतनी मेहनत की है। मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर। चल 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 परदेसी, चल चल चल, क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। क्या है भरोसा राहों का, अच्छा ले ले सहारा बाहों का। बाह थाम मेरी पगले तू, राह ना अपनी बदल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। पहला अंतरा सौंपती हूँ। मैंने अपने पूरे काव्य पाठ में आपको ऊर्जा देने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ चेहरे में देख रही हूँ जो सच मानिए इतनी मनहूसियत से बैठे हैं। मैं ये गीत का पहला अंतरा आप लोगों के नाम करती हूँ, और अगर आप इसमें भी नहीं मुस्कुराए तो काम खेड़ा महाराज जी भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं गीत का पहला अंतरा आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि चल 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 परदेसी, चल चल चल, सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी। अरे बनवासी, सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी। अरे बनवासी, प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। राम बाबू आप भी मुस्कुराइए। ऐसा नहीं है कि जो बालों में डाई लगा कर बैठते हैं वो मुस्कुराते नहीं। आप भी मुस्कुरा सकते हैं, सुनिएगा। अब मैं क्या करूं, मेरा ध्यान चला जाता है। देश में जो बिगड़ने का सिलसिला है वो ऊपर से चला आ रहा है। जितना खतरा युवाओं से नहीं है उतना बुजुर्गों से हो गया। लेकिन वो भगवान सोनी बैठे गवाह हैं, ये शबाना शबनम के काव्य पाठ पे मुस्कुराए थे तभी तो डाई को प्राप्त हुए। नहीं 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 नहीं, बहुत आप आनंद से, सच में आप लोगों को मैं बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी, प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की या फित
फितरत है, गली गली में नफरत है, कदम कदम पर जाल बिछा तू चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। और गीत का अंतिम मंत्रा, मैंने अगर अंतरे के साथ न्याय किया हो तो पूरे मंच को सौंप के सुनिएगा कि देख मोहब्बत एक बैठ जाओ अब आप, पूरी रात आपकी ऐसे ही निकल जाएगी। सुने हाँ जी, अरे मैं तो देख ही रही हूँ कब से, सुनाइए सुनाइए। बिल्कुल सीधी सरल रेखा मिला के कब से बैठा है यार। अच्छा पेमेंट लिया है देखने का? स्वागत। पर बिना पेमेंट के आप जो काम कर रहे हो ये पेमेंट वाला भी नहीं कर सकता। चार पंक्तियां रमाकांत जी और सुन लो कि लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती, आए है। लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती, मारे हुए पर अपना शिकार अधिकार नहीं करती, और सब जानते हैं भूखे रहना मंजूर है मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं। गीत का अंतिम मंत्रा सुनाती हूँ, सुनिएगा। अच्छा इतने मतलब कितना भोला होता है पुरुष, इस पे भी मुस्कुरा रहा। सही बात, वाह, कृपा यहीं अटकी हुई है। निर्मल बाबा चलो सुनिए, सम्मेलन में शेरनी भी देख ली, चिड़ियाघर भी हो गया अपना, क्या खाली चीते ही दिखाओगे, शेरनी भी तो दिखी। सुनिए गीत का आखिरी अंतरा सुनाती हूँ, तो इनका इंटरेस्ट शेर में हो गया होगा। कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है, धुआं ही धुआं है, मर्ज हुआ हर एक फना, ये सो मर्जों की दवा है, यही तो खुदा है, अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा, अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा, इश्क समंदर है गंगा का पी ले इसका जल। हाय चल 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 परदेसी, चल 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 परदेसी, चल चल चल। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का, बाह थाम मेरी पगले तू राह न अपनी बदल। चल 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 परदेसी, चल चल। बहुत बहुत आभार। यहाँ पर महिलाएं जोरदार तालियां बजाइए मित्रों, एक अच्छा गीत और उसका गीत का जो सर्वश्रेष्ठ बंद, मैं भुवन तुमको बधाई देता हूँ। यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति है, एक बेटी ने आकर मुझे माला पहनाई। सच मानिए अपने सौभाग्य पर गर्व केवल एक बात का हुआ कि मैंने इस प्रकृति में मानव रूप में अगर आँख खोली है तो मैं एक बेटी के रूप में पैदा हुई हूँ, और वो ईश्वर परम पिता परमात्मा मुझे जब भी मानव रूप में जन्म दे इस प्रकृति में आँख खोलने के लिए, तो मैं केवल और केवल बेटी होना चाहती हूँ। बहुत अच्छे भगवान। क्यों होना चाहती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को रेखांकित करती हूँ और ये पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। अरे वाह, आपको पंक्तियां याद है, मैं बहुत बहुत, अरे बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत अच्छा जी, अरे क्या बात है, बहुत बहुत आदरणीय के लिए एक बार आप तालियां बजाइए, बहुत जीवंतता से वो मैं समर्पित करती हूँ, सुने। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती, हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी।
बहुत अच्छा डॉक्टर, डॉक्टर बहुत बढ़िया लगता है। जब कभी मैं ये पंक्तियां मन से पढ़ती हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर, तो कई कवि एक बात कहते हैं कि क्यों केवल बेटियों की ही बात की जाती है, क्या हम बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं, क्या बेटों की बात नहीं करनी चाहिए। ये सर्व हिंदू उत्सव समिति का ये मंच है, मैं चार पंक्तियां तर्क की पढ़ती हूँ, आप सभी को विशेष समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि ना उनकी आंख यू फिर झील से रेती हुई होती, ये नौजवान पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, कि ना उनकी आंख यू फिर झील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई हो। शानदार बेटा, हम सब सनातनी धर्म के परिचायक हैं, आप भी अपने परिवार के बच्चों को संस्कार देते होंगे, मुझे मेरे परिवार से क्या संस्कार मिले, अंतिम चार पंक्तियां पढ़कर विदाई चाहती हूँ। आदरणीय देश के बहुत बड़े संचालक शशिकांत जी को पढ़ना है, मैं अंतिम अपने काव्य पाठ की ये चार पंक्तियां और आपसे विदाई मांगती हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद पुनः देती हूँ, सुनिएगा। मेरे घर से मुझे क्या संस्कार मिले, कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन, बहुत अच्छा अच्छा, ये कविता की सफलता है भाई। मैं वाकई में सही में उस मीणा वीणा वादिनी का आशीर्वाद है कि मेरी कविताओं की पंक्तियां आपको याद है और आप उसे पसंद करते हैं, मैं उन्हें साधुवाद धन्यवाद देती हूँ ईश्वर परमपिता परमात्मा को कि मैं आज आज यहाँ आप लोगों की वजह से हूँ, ये मेरा क्षेत्र है जो मुझे इतना प्रेम करता है, और आपके प्रेम की वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है जो मुझे आगे तक ले जाती है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम साधुवाद धन्यवाद करती हूँ। पंक्तियाँ पूर्ण करती हूँ, सुने। कितना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी वो रेखा पार मत करना, तो रावण क्या बिगाड़ेगा।